दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। और मैं हेमंत कुमार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी। और आज के वीडियो में बात करेंगे मेसेंस ट्राइकोम के बारे में। पर्सनली बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझे मेसेंस ट्राइकोम के बारे में, तो आज मैं फाइनली इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ मेसेंस ट्राइकोम के बारे में। मैं डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। रीजेंट कैसे प्रिपेयर करें मेसेंस ट्राइकोमा का, उसमें सेपरेटली मैं बात करूंगा, या आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं मुझे डिटेल में अगर आपको पता करना है कि रीजेंट्स कैसे बनते हैं और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर के बारे में बात करूंगा कि मेसेंस ट्राइकोमा हम लोग कैसे करते हैं। मैं प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगर इन फ्यूचर मेरा कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, राइट? तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक में मेसेंस ट्राइकोम में सबसे पहले आप सेक्शन को ब्रिंग सेक्शन डाउन टू वाटर तक लाइए, यानी कि उन सेक्शन जो आपने काटे हैं 3 to 5 माइक्रोन पे उसको पानी तक लेके आइए। पानी तक लेके कैसे आते हैं ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, कैसे सेक्शन को पानी तक लेके जाया जाता है। वार्मर पर रख के 10 मिनट के लिए, उसके बाद जायरीन के चेंज दे के और अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल से 95, 70, 50 से लेके आप पानी में चला सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मेसेंस ट्राइकोम, उसके बाद ही कोई भी स्पेसिस्टेंस स्टार्ट किया जाता है पानी तक लाने के बाद। तो पानी के तक लाएँ, उसके बाद सेक्शन को आप बॉयंस फ्लूड के अंदर रख दीजिए एटलीस्ट 1 आवर के लिए फॉर 54 डिग्री टेम्परेचर पे आप इसको रख दीजिए स्टेन को। 1 घंटे बाद इसको आप 54 डिग्री टेम्परेचर से निकाल लीजिए, यानी कि आप कॉपलिंग जार के अंदर बॉयंस फ्रूट डालिए, उसके अंदर स्लाइड डाल दीजिए और एक कॉपलिंग जार आप वाटर बाथ के अंदर रख सकते हैं जिसका टेम्परेचर आप 54 मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप डिस्टिल वाटर से वॉश कीजिए। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद आप एक ट्यूब लीजिए, ट्यूब के अंदर वैगेट आयरन ए एंड वैगेट आयरन बी इक्वल अमाउंट में, यानी कि 1 ml अगर आप वैगेट आयरन ए ले रहे हैं तो 1 ml ही वैगेट आयरन बी भी लीजिए, इक्वल अमाउंट में डाल के उसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद उस स्लाइड के ऊपर वो रिएजेंट पोर कर दीजिए। उसके बाद आप एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का वेट कीजिए। जब 15 से 20 मिनट हो जाएं उसके बाद उस स्लाइड को फिर से डिस्टिल वाटर से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसमें बिब्रिक्स कार्लेट डालें एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट का वेट कीजिए, फिर अगेन वॉश कर लीजिए उसको डिस्टिल वाटर से। इसके बाद आप इसमें डालिए फॉस्फोटंगस्टिक एसिड 5% एंड फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों इक्वल अमाउंट में डालिएगा, यानी कि अगर आप 1 ml फॉस्फोटंगस्टिक एसिड ले रहे हैं ट्यूब के अंदर तो 1 ml ही मोलिब्डिक एसिड भी लीजिएगा, यानी कि फॉस्फोटंगस्टिक एसिड एंड मोलिब्डिक एसिड इक्वल अमाउंट में आप डालिएगा। दोनों 5% रहते हैं, डाल के फिर अच्छे से मिक्स करके इस रिएजेंट को आप फिर से स्लाइड पे डाल दीजिएगा। आप एटलीस्ट 10 मिनट का वेट कीजिएगा, उसके बाद इसको वॉश नहीं करना है, उसको ड्रेन करना है। ड्रेन करने के बाद इसके ऊपर आप एनिलीन ब्लू डाल दीजिएगा। एनिलीन ब्लू एटलीस्ट आप 10 मिनट के लिए डालें और जब एनिलीन ब्लू का 10 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर आप 1% एसिटिक एसिड ऊपर से डाल दीजिएगा। आपको एनिलीन ब्लू गिराना नहीं है, वॉश नहीं करना है, इसको एसिटिक एसिड से वॉश डाल के और ड्रेन करना है। और आप एसिटिक एसिड डाल दीजिए, करीब करीब आप एसिटिक एसिड डाल सकते हैं 10 से 20 सेकंड के लिए। उसके बाद इसको आप डिहाइड्रेट क्लियर एंड माउंट कर लीजिए। आप चाहें तो इसको वॉश भी कर सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोग इसको क्या करते हैं 95% अल्कोहल से इसको ब्लॉट कर लेते हैं। 95% अल्कोहल स्लाइड लिया, वॉश किया और उसको वाटमेंट फिल्टर पेपर के ऊपर ब्लॉट कर लिया। ब्लॉट करके आप सीधा इसको माउंट कर सकते हैं या फिर डिहाइड्रेट क्लियर एंड माउंट कर सकते हैं आप। दोस्तों ये आज का मेरा वीडियो है, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर पाया हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके जो टेक्निकल फ्रेंड्स हैं आप उनसे ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अगला टॉपिक किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक है जिस पर आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे ताकि मैं उन टॉपिक पर वीडियो बना पाऊँ। और मुझे भी बहुत हेल्प मिलती है आपके कमेंट्स की वजह से, तो आशा करता हूँ आप कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और हर बार की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना प्यार देने के लिए मैं आपका बहुत 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 थैंकफुल हूँ। और मेरी लास्ट में यही है कि आप बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।